गाइस नो डाउट, जब से तारक मेहता शो के अंदर पत्रिका पोपटलाल की शादी का ट्रैक स्टार्ट हुआ है, तारक मेहता शो की टीआरपी एकदम अलग लेवल पर पहुंच चुकी है। यानी कुछ टाइम पहले जब तारक मेहता शो की टीआरपी इतनी ज़्यादा कम हो गई थी कि तारक मेहता शो टॉप 10 से ही बाहर हो गया था, और सब टीवी पर आने वाले बाकी शोज़ की टीआरपी भी तारक मेहता शो से ज़्यादा थी। और उस समय पर लोग तारक मेहता शो को बंद करने की डिमांड कर रहे थे, तारक मेहता शो को बॉयकॉट करने की बात कर रहे थे। लेकिन पिछली दो चार स्टोरी तारक मेहता शो के अंदर ऐसी आई हैं कि शो की टीआरपी एकदम बूम हो गई। यानी कि जो भी सब टीवी पे शो आते हैं सभी शोज़ को तारक मेहता शो ने पीछे छोड़ दिया। यानी कि टीआरपी की लिस्ट में अगेन तारक मेहता शो नंबर वन की पोजीशन पर पहुंच चुका है। और अब सब टीवी पर जो भी शोज आते हैं उन सब की टीआरपी तारक मेहता शो से काफ़ी कम पहुँच चुकी है। और इसका सबसे बड़ा रीज़न है पत्रिका पोपटलाल की शादी का ट्रैक। यानी कि शो के अंदर जब भी तारक मेहता शो के मेकर्स को लगता है कि टीआरपी घट रही है, वो हमेशा ऐसी स्टोरी लेके आते हैं जैसे कि दयाबेन की एंट्री की, पोपटलाल की शादी की, और इससे अगेन तारक मेहता शो की टीआरपी बढ़ जाती है। एंड मेकर्स ने वही कार्ड खेला, यानी कि शो की टीआरपी गिरी तो पोपटलाल की शादी का ट्रैक ले आई, और इससे तारक मेहता शो की टीआरपी बहुत ज़्यादा बढ़ चुकी है। और इस बार तारक मेहता शो की टीआरपी इतनी बढ़ गई जितने की अब तक पोपटलाल की शादी से कभी नहीं बढ़ी थी। इसका एक रीज़न ये भी है कि यहाँ पर लग रहा है कि इस बार सच में पोपटलाल की शादी हो जाएगी। यानी कि तारक मेहता शो के मेकर्स अब पोपटलाल की शादी सच में करवाना चाहते हैं, लेकिन अगेन ऐसा ना हो कि फिर से पोपटलाल की शादी टूट जाए। वेल दोस्तों, आपको इस बार क्या लगता है, क्या सच में पोपटलाल की शादी होगी या फिर नहीं? गाइस आपकी इस बारे में जो भी राय है कमेंट में ज़रूर बताएं।